राइटर्स क्रैम्प, मतलब लिखने के समय हाथ टाइट हो जाना और लिखते नहीं आना, ये बीमारी जो है इसके बारे में आज मैं बातचीत करने वाला हूँ। ये न्यूरोलॉजिकल बीमारी है और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी उसमें काफ़ी सारा रोल प्ले करता है, तो इसके बारे में मैं आज बात करूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति देने महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। राइटर्स क्रैम्प में क्या होता है कि ब्रेन से गलत सिग्नल्स हाथ को जाते हैं, इम्पल्सेस, और गलत सिग्नल्स जाने से ये उंगलियां जो है वो कड़क हो जाती है। और एक बार उंगलियां कड़क हो गई कि ऐसी मूवमेंट जो है एकदम आराम से जो मूवमेंट होती लिखने के समय वो मूवमेंट करना कठिन हो जाता है, पेन ऐसे पक्का पकड़े जाता है और फिर हिलता नहीं, फिर ऐसा 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 होता है और फिर हस्ताक्षर मतलब होता ही लिखते आता ही नहीं किसी को। फिर इसको फोकल हैंड डिस्टोनिया भी बोलते हैं, फोकल हैंड डिस्टोनिया। ये पूरी मांसपेशियां जो है मतलब मसल्स जो है उसकी अकड़न हो जाती है क्योंकि गलत सिग्नल्स यहाँ से यहाँ जाते हैं। अब ये लिखने के समय टाइट हो गया पेन तो लोगों को इतना होता है कि वो लिख ही सकते नहीं, मतलब कुछ कुछ लोगों ने लिखना बंद कर दिया है, कुछ कुछ लोगों का हैंडराइटिंग इतना खराब हो चुका है उसकी वजह से कि पढ़ते भी नहीं आता है, और कुछ लोगों का सिर्फ किसी के सामने बहुत ज़्यादा होता है तो वो किसी के सामने नहीं लिख पाते, अकेले में थोड़ा सा बराबर लिख लेंगे, अकेले में भी होता ही है मगर किसी के सामने बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि हाथ में फिर वीकनेस आता है, कमजोरी आती है और जो हाथ में पकड़ा है वो नीचे गिर जाता है। ये क्रैम्स जो है वो लिखने के समय आते हैं, उसके साथ साथ हम जो कैंची हाथ में लिया और कुछ काटते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे हाथ कांपेंगे, या फिर बटन लगाना है तो उस समय बहुत ऐसा कड़क हो जाएगा कि मूवमेंट ही नहीं होगा। तो ऐसे काफ़ी सारी जगह जहाँ उंगलियों की मूवमेंट आराम से होती है और ऐसे लचीलापन रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी वो रहती नहीं है, और फिर कड़कपन आने के बाद में यदि कमजोर हो गए तो हाथ से वस्तुएं नीचे गिर जाती है, हाथ कमजोर हो जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि कोई अथॉरिटी फिगर है तो ज़्यादा हो जाता है, बैंक में जाते हैं लोग और वहाँ चेक पर सही करना है तो वहाँ उनका हाथ कांपना चालू हो जाता है। ये बीमारी अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख लोगों में 30 से 40 लोगों को होती है, 10 लाख लोगों में 30 से 40 लोगों को, मतलब ऐसा देखा जाए तो बहुत प्रमाण है, और ज़्यादा पुरुषों में दिखाई देती है। शुरू जल्दी हो जाती है मगर ज़्यादा उम्र जो है दिखने की वो 25 से लेकर 40 तक, ये उम्र में शुरुआत होती है। इसमें हम दवाई देते हैं, एक तो रिलैक्सेशन के लिए दवाई देते हैं तो मैं उसमें प्रोप्रानोलोल, डायजीपाम, अल्प्राजोलाम ये दवाई देता हूँ, वैसे कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हमने तैयार की है वो आयुर्वेदिक दवाई में देता हूँ, उसके साथ साथ प्रोप्रानोलोल, क्लोनेजीपाम ये कॉम्बिनेशंस या प्रोप्रानोलोल अल्प्राजोलाम कॉम्बिनेशंस ये हम देते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी ये जो है ये भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट करके इसमें दिया जाता है जिससे फायदा होता है। मैं फिर लोगों को इसके साथ साथ रिलैक्सेशन कैसे करना वो सिखाता हूँ, सेल्फ हिप्नोटाइज करो, सेल्फ हिप्नोटाइज करके रिलैक्स करो और रिलैक्स करके लिखना चालू करो, तो उनको रिलैक्सेशन सिखाते हैं और फिर बोलते हैं कि जब आपको लिखने का समय आ जाएगा तो पूरा रिलैक्स करो। तो हम क्या करते, लोगों को बोलते हैं ऐसा हाथ रखो टेबल के ऊपर, ये पूरा एल्बो जो है ये एल्बो यहाँ पूरा रखना, यहाँ तक सपोर्ट देना, हाथ में पेन लेना और एकदम आराम आराम से पूरा पूरा ये जो है हाथ ये पूरा रिलैक्स करके उनको लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। और हिप्नोथेरेपी में भी उनको बोलते हैं कि आप कल्पना करो कि आपके सामने कोई व्यक्ति है और आप लिख रहे हैं और एकदम आसानी से लिखना चालू, एकदम रिलैक्स है, उंगलियाँ रिलैक्स है, सब रिलैक्स है और आप आसानी से वो लिख रहे हैं। तो ऐसे उंगलियाँ मतलब लिख रहे हैं, आँखें बंद है, रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस चालू है, तो ब्रेन को रिलैक्स करना और ब्रेन को विजुलाइज करके बताना कि लोग खड़े हैं और मैं आराम से लिख रहा हूँ, तो ब्रेन को राइट सिग्नल जाएंगे और फिर वो राइट सिग्नल यहाँ भेजेगा। तो इस तरह का ये ट्रीटमेंट है, बहुत लोगों को इसका फ़ायदा होता है और ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों को रिजाइन करना पड़ता है फिर जॉब में से, क्योंकि लिख सकते नहीं है, प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, तो ये अच्छा होना आवश्यक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो, लोग हमारे पास में मेडिसिंस, हिप्नोथेरेपी, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के लिए आते हैं और अच्छे होते हैं। ज़्यादातर मैं उसका वादा नहीं करता हूँ, 40-50% लोगों को फ़ायदा हमारे यहाँ होता है। बहुत ज़्यादा यदि हो गया तो बोटॉक्स का इंजेक्शन देते हैं, बोटॉक्स, और वो इंजेक्शन से मसल स्पाज़म जो है वो रिलीव हो जाता है। हमने देखा होगा कि इसके साथ साथ जैसे राइटर्स क्रैम्प है उसके साथ साथ बाकी भी क्रैम्प्स जो लोगों को आते रहते हैं जिसमें पैर के मसल्स में बहुत ऐसा कड़क हो जाना, कॉन्ट्रैक्शन आना और क्रैम्प हो जाना, यूजली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद में होता है या रात में होता है। फिर इससे में क्या करना, तो इससे में वो लोगों को जो पैर में क्रैम्प्स आ रहे हैं तो वो उसको गर्म कपड़े से सेक सकते हैं या बर्फ़ से सेक सकते हैं,
थोड़ा चल सकते हैं, थोड़ा मसाज कर सकते हैं ताकि वो क्रैम निकल जाएगा। पर को यदि ज़्यादा हो रहा है तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज देना बहुत ही ज़रूरी है, रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो ताकि लोग अपनी बीमारी से मुक्ति पा सकेंगे और एक अच्छा लाइफ, प्यार भरा लाइफ, आनंद का लाइफ जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।